जी साहब, 10-20 रुपयों गौशालो चाल वालों को नहीं है, कहीं 10 रुपया नाके टेप उसे पड़ा रहे सदर मोड़ो करना रोजी ना गौशाला माजी मुझे ऑटो दे पर चिटुली आंगली बीड़ी गलियोड़ी ठाण में सारो ही कोनी में तू उजिया खोड़ीला रुपया तो 10 दिया ऑडिट करना अगलो पहले। हाँ साहब, गौशालो 10 रुपया नहीं चाले। मैं आज लगभग छिन्नू छिन्न भी जागण, रात को 95 भी जागण थी, छिन्नू दिनों भजन गा रही हूँ। हाँ अकेलो, सिर्फ गायों वास्ते गा रही हूँ, मैं पेट वास्ते नहीं गाऊँ। मैंने मारा टाबर जर्मनी अमेरिका फ्रांस में नहीं पढ़ाना है, मैंने सिर्फ गौ माता के लिए भजन गाड़ा। और ओम डिगड़ना जब तक जिंदा है तब तक गायों के लिए ही भजन गाएगा, शहीदों के लिए ही भजन गाएगा। मेरा एक निजी उद्देश्य है, साल में 1 करोड़ का टारगेट रहता है मेरा, 1 करोड़ रुपया मैं बेड़ा करिया, बस नींद लिया करा दा पर। गौ माता ने बचानी है साहब, एडेडा अपने घर घर में योदा ऊटी जन गाया बची लाठिया लहर लारे बैठरिया लहर खोपी खोपी कर बो गाया बजमाली को नहीं है कहीं गाया बची साहब किकर बची गाया खेतरे खंदक खंदक पचे पाड़ी पाड़ी पचे खाई खाई पचे बाढ़ बाढ़ पचे तारबंदी तारबंदी रे बारे झटकाड़ो तार गाय रे कितो दोरो झटको आवे देखियो कणी ई झटका मशीन आपा हाथ लगा देखो अपार झटको कितो दोरो आवे गौ माता कितो दोरो आवेला कैसा गाया तले कर लिए घना टाबर घर में बेको तले ने मैंने नावनी में गालोगे कट जाए गाया 5,000 रुपया एक झटका मशीन का लागे गा में 25 मशीन लागोड़ी है झगड़ा पिया बटो झटका मशीन का लागे जगह गौशाला में दो एक भी गाय रोड मात कौन मिले एक भी गाय रोड पर नहीं मिलेगी सबकी व्यवस्था हो जाएगी लेकिन कहीं करा मैं तो जाऊँ चटी कहाँ मत लगाओ झटका मशीन झटका मशीन लगाओगे तो बूटा टीरा मंदिर खुलने वाला है चतुर्दास जी हंगा खाज ले उड़खांगा भी उड़ा पद हीरू और तेल रगड़ता भूडा लागो मैं तो जाऊँ चटी कहाँ साहब गाया ने बचानी है सत्य सनातन धर्म जीव तो राखनो है अरे पोस्टर नीचा उतारना है तो गौ माता बचानी पड़ी ए भिंता माते पोस्टर चेप पर जागना देना हूं गायरी व्यवस्था हो सके बचनो मोना मुमकिन है और मैं तो साहब से भी विनती कर रहा हूँ आप हमारी आवाज वहां तक पहुंचाए गाय को राष्ट्र माता घोषित करवाने में हमारा पूरा पूरा सहयोग दे आप और जब तक गाय गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं वेला तब तक गौ माता बचनी बहुत नामुमकिन है। आज हर चीज रो कानून है, मोर को कानून, हिरण को कानून, नील गाय को कानून, ऊंट को कानून है, गाय का कोई धनी दौर नहीं, क्योंकि इनके लिए कोई कानून नहीं है। आने वाले 10-12 महीनों में कोशिश कर रहे हैं आप और हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे साथ में और कोशिश आई कराला कि गाय ने जल्दी राष्ट्र माता घोषित करावा क्योंकि गाय तो माता है, माता ही और माता ही। आप बात सही है ना, गाय माता है ना, आ थोड़ी कहा भैंस माता सांड बाबा क्यों ना सांडा बाबू जी आ तो कौन कहा पाडा बाबू जी सांड बाबा है जिन आप नंदी किया करा महात्मा समझावे धर्म यदि संकट में चला गया तो एक दिन ऐसा आएगा अपनी बहन बेटी अकेली बाजार में नहीं जा पाएगी क्योंकि घर घर में रावण पैदा होगा। महात्मा भगवान कृष्ण उन समय पांडवा ने कह गया पांडवा कलजुग आसी भारी अरे थाने कह गया किशन ओची बुदीरा कंस जलमेला वे कन्या गिने न कमारी अरे मारो भयोड़ो धान कोनी उगेला चाहे कृष्ण कर कर हारी अरे पांडवा कलजुग आवेला वही तो कलजुग है सब देखा देखी कलजुग में देखा देखी ज्यादा चले 3 बाया ही कोई रेल में बैठी एक ही उम्र 80 साल एक ही उम्र 90 साल एक ही 70 साल बाया कह रही डोकरिया रेल में बैठी निचली सीट माते ऊपर स्लीपर में कोई 90 साल को डोगरो हो तो खूनी दियोड़ो डोगरो में तीनों बाया की बात उन्हें तीनों जी आपस में बात करे बार 90 साल वाली क्या उन्हें फूल की बोले हाँ मैं 90 साल की हूं वो कलजुग है मैं 90 साल की हूं मुंडारे एक पाउडर डबो चमड़ू जन भड़जी 15 साल की भाई 90 साल वाली बात मनावे भाई इतराली कहवे गेली गल्डी तू तो पाउडर चोपड़े मैं पॉन्स को डबो चोपड़ी हूं भणजी 13 साल की भाई इतराली कह मैं फेरन लवली टूब चोपड़ू जो भणजी 10 साल की बाबू स्लीपर में उतो गयो राम जी दया कलजुग आयो है ये तो पाउडर चोपड़ चोपड़ उम्र आगम करे बाबू वो कलजुग देखी जो कोनी बाबू उबरू गुड़गो बाबू गुड़ी जो डोगरिया खोड़ा में पड़गो डोगरिया कह रहे बूढ़ा टंटे शर्म नहीं आवे लोगों खोड़ा में पड़े बाबू कह मैं कह रहा बूढ़ो मैं तो हाल जलमी हूँ आई एम हैप्पी बर्थडे टू यू थाने शर्म नहीं आवे ये कलजुग है साहब जो कला का युग है जितना आप कला करोगे उतनी दुकान ज्यादा चलेगी दिखावा करोगे दुनिया आपको ज्यादा मानेगी लेकिन नहीं
आज का समय है धर्म को बचाने का, आज का मेरा काम नहीं है भजन गाना, मैं सिर्फ गायों के लिए गाता हूं, मुझे कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना, सिर्फ ये गौ माने बचानी है, अपने संस्कारों को जीवित रखना है। और आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो जरूर कोशिश करेंगे राजौंद की धरती में कभी गौ माता के लिए चारे की कमी नहीं आएगी। रात को 11 में ऐतिहासिक जागरण हुआ था, 19 लाख रुपया बेड़ा दिया 12 महीने तक गौ माता, और कृपा करी साहब भी हॉस्पिटल बटे भी कहो हॉस्पिटल मारे कोटो बना दे, इतनी बढ़िया सेवा तने गौशालो आने तेजाजी नो मंदिर एर पजे गया रो हॉस्पिटल साहब गौ माता अपने आप बच जाए, हिम्मत करो जने बची, बाकी रामाशामा घर में गया बचवाड़ी कोने, रामाशामा तो 5 महीना भी अपनो घर कौन चलियो, घना जना वीआईपी आ जगह आएगा बीपीएल में खाद्य सुरक्षा से पात्र परिवार घसघारी ठा पड़गी 5 महीना में कतो घसगो कहता रजनीगंधा कहाँ जगह आएगा तान सेन माते है गोल्ड प्लेक भी जगह आएगा ओटू बीडी माते जगह कहता एरोप्लेन में अपडून करा बेंगलोर मद्रास हूँ जगह तेल वाला टंकर बड़बड़ कराया है गाँव ले ले चकदानी उतार दे पे पाड़ो जाते रहे ठा पड़गी बीपीएल किता को वीआईपी हम वीआईपी भगवान एक दिन सबने दिया करे लेकिन वो देवे जन हिसाब दिया करे क्योंकि आदमी तो वही है जो रोड पे सो रहा है भिखारी, आदमी तो वही है जो दिल्ली में बैठा है, आदमी तो अपाइया जगह जागरण में बैठा है, क्योंकि संसार में घना तरह का लोग है, चार भाइया चारू मार्ग मार्ग जावा चारा ने 30 लागी कुचे रहू धके निकलिया पानी देखियो तो बाजार में कटी पानी मिन्नी मिलियो भेरो ट्यूबवेल ढाणी कौन दिखी आगे देखे तो एक ढाणी नजर आई ढाणी में एक भाई फूस काटे चारू जना की रे भाई है ढाणी में राटे जरूर पानी क्यों चारू जना हाथ मत जाओ पानी पीबाने एक एक जनो जाओ 3 जना रोड पर बैठा एक जनो जार क्यों भाई जी राम राम पानी पाओ बा भाई क्यों रे तू कौन है रे भाया क्यों भाई जी मैं तो रस्तर से चाल बाड़ो मार्गू मार्ग में चाले जगह ने किया करे मार्गू मैं मार्गू हूँ भाई केवे भाया मार्गू धरती पर दो ही तीजो जलमियों को नहीं तू कटो भापरियो बैठ जा मार्गू बैठो आधो घंटो तो बो गियो कोनी तीन आरे टेंशन पड़ गयो आयो कोनी काई बात पुजारे निंकर काई बात भी बाजार कियो भाई जी राम राम पानी पाओ बाबाई के तू कौन बोले भाई जी मैं दुनिया रो सबू मोटो रईस कांदर ठोकी ऊंची भाई केवे रईस धरती पर दो ही व्या तीजो वियो ही कोनी थूकटो आयो बैठ जा मार्गो ने बिठा दियो रईस ने बिठा दियो दो जना लारे बैठा टेंशन पड़ गो दोनों आया कोने सुनो साहब एक मिनट तीजोड़ो गियो भाई जी राम राम पानी पाओ बोले तू कौन है वो तीजोड़ो कह भाई जी मैं हूं दुनिया रो सबू मोटो गरीब है मैं हूं गरीब भाई कहे गरीब धरती पर दो ही दिया तीजो वियो ही कोनी तू कटो आयो बैठ जा अबे मार्गू बैठो रईस बैठो गरीब बैठो लारे रियो एक जनो सुनेगा वो एक जनो गियो भाई जी पानी पाओ बोले तू कौन है वो कहे मैं दुनिया रो सबू मोटो बेशर्मो सबू मोटो बेशर्मो भाई कहे रे बेशर्मा धरती पर दो ही व्या तीजो व्यो ही कोनी थूकटो आयो बैठ जा अब कहन की भी है मार्गू बैठो रईस बैठो गरीब बैठो एर बेशर्मो ही बैठो भाई गई टांका मु बाल्टी हिंचर ले आई पानी पायो चारण चारण ने पूछो रे भाया भूख लगी कि नहीं लगी चारू जना के भाई जी रोटी तो जीमनी है सुबेरा घरों निकले उड़ा पैदल आ रिया बोले भूख लगी ने रोटी तो ढाणी में तो है कोनी आटू 2 किलोमीटर आगे मारो घर है ते चारू जना मारा हाथ आलो था ने घर रोटी जिमाओ अब भाई चारा ने टोड़ घर लेगी ले जा बारला कमरा में बिठा दिया चारा ने टीवी चालू कर दी बोले थे टीवी देखो मैं थारा खानो बनाऊ भाई रसोई में होगरा बनावे 15 मिनट लगा होगरा बनाया जे तो भाई वालो हूर आई गयो गामे गेड़ो कटी सोदरपण करने मुझे यार ओटा दी ओडा आयो कमरे में चारू जना ने बैठा ने देखिया क्यों रे कुणो रे कुणो ते चार जना अबे बाबो चारा ने जाने नहीं चारू बाबा ने जाने नहीं चारू जना भेड़ा भेड़ा वे पीत गए बाबो कहो चोर हो गई रे हर के भेड़ा भेड़ा भैया बाबे ने ठा पड़गी पक्का चोर है बाबो चारा ने पकड़ पड़ो राजा करने ले गयो राजा चार आदमी बिना पूछे हमारे घर में बढ़ गया एने चारा ने जेल में नाको चारा ने लिजार जेल में दरगा दिया बाबो कह मैं कहूं जी तो छोड़ना को नहीं है चोर है चोर
भाई 12 भाई रोटी बना रहे, आर देखे तो कमरे में चेरु आदमी नहीं, अटी उठी पूछताछ करी, चार जना कटे टाबर कहो चारा ने तो बाबो टोले टोलिया क्यों करने लगा, बोले रावड़ा का नहीं गया राजा साहब का नहीं, भाई लाटो हाथ बिरुड़ी लारे गई राजा, ये चार जना जेल में पैक करिया इन्हें बारे काट, राजो के नहीं काटो, चौधरी बाबा रो हुक्म है चार चोर है, भाई कहे चोर नहीं है इन्हें घरा मैं ले आई, ये चोरी करवाने को नहीं आया, तो वो चौधरी कहे तू तू घरा क्यों लाई, बोले भूखा हाजने भोजन करने लाई, राजो के तो बिना जान पहचान इन्हें घरे क्यों लाई, बाबाई कहे मैं चारा ने पूछियो थे कौन कौन हो, चारों उत्तर अलग अलग बताया, जगह ने घरे लाई, राजो कहो कई प्रश्न पूछिया कई उत्तर बताया, भाई कहे पहला आदमी ने पूछियो थो कौन, पहलो कह मैं हूं दुनिया रो मार्गो, पहलो कह मैं हूं मार्गो, तो राजा मार्गो धरती पर दो ही गया, तीजो वियो ही कोनी, राजो कह दो कौन कौन, भाई कहे दो विया चांद और सूरज, चांद सूरज से मोटो मार्गो धरती पर नहीं है, सजनो धरती पर घने पैदा भी यार घने गया पर घने जावे, लेकिन चांद सूरज से मोटा रस्ते पर चलने वाला मार्गो है ही नहीं धरती पर, आंधी आवे चाहे तूफान आवे, चांद सूरज कदी रस्तो कौन छोड़िया करे, अपा तो रस्तो ही छोड़ा, राजो कहे दूजोड़ा ने कहीं पूछियो के दूजोड़ो कहे मैं दुनिया रो सबू मोटो रईस, तो रईस धरती पर दो ही गया, दो कौन कौन, राजो कहे दो कौन कौन, भाई कहे अन्न और जल, अंजल से मोटा रईस कोई नहीं है, कतोई मोटो रईस है ना, रोटी तो बोई गीटे है, दुनिया में मुकेश अंबानी का पैसों गणो सामरा रोटी तो बोई खातो वेला, के दो दो हजार नोट साबे टुकड़े तो बोई गीटे है, हाँ और जड़ रोटी खाए पे चलू तो बोई करतो वेला, है चलू क्यों करे गियू पानी, चलो वो बिस्तरी काम ले टंकी आड़ो तो अपाई लिया, तो अंजल से बड़ा कोई रईस नहीं है, राजो के तीजो, तीजो के मैं दुनिया रो सबू मोटो गरीब, गरीब धरती पर दोई गया, राजो के कौन कौन, बड़द और बेटी, मेले जटी जावे बड़द बेटी मोटो गरीब धरती पर नहीं है, तो राजो के छोतोड़ो, भाई के छोतोड़ा ने पूछियो तू कौन, छोतोड़ो के मैं दुनिया रो सबू मोटो बेशर्मो, राजा बेशर्मा दोई गया, राजो के कौन कौन, भाई के एक तो थू एर एक मकाड़ हूरो, थू मोटा बेशर्मा मने धरती पर कौन लाई दिया, हाँ भूखा ने लीजार जेल में नाग दिया बापड़ा ने, तो धरती पर घना लोग है बेशर्मा जो धर्म ने नहीं माने के धर्म क्या है पता ही नहीं, घना लोग है जगह के गाया कहीं है के उन्नी है, ओ हो कि तो मोटो शब्द लियो के गाया आवारा है, नहीं साहब बहुत गंदे प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने गौ माता को आवारा बोला है, बहुत गंदे लोग हैं जो गौ माता को पशु मानते हैं, मैं तो नहीं मानता, मैं तो कहूँ गौ माता प्राणी है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गया, अमेरिका में भाषण दियो, माने पूछियो कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मीठा दूध कौन से पशु का होता है, पूछियो कि हिंदुस्तान में सब मीठो दूध किसे जानवर को वे, देखा ही बोलिया की को वे जोर बोलो गाय रो, मैं कहो भैंस को वे, स्वामी विवेकानंद 125 साल पहले मैंने पूछियो कि हिंदुस्तान में सब मीठो दूध किसे पशु को वे, मैं कहो भैंस को, जरा कमेंट आया कि आपने भैंस क्यों बोला, मीठो दूध तो गाय को वे, तो स्वामी विवेकानंद कहीं गयो कि गाय को हिंदुस्तान में पशु नहीं माँ बोला जाता है, हिंदुस्तान में गाय को प्राणी बोला जाता है, माँ कहा जाता है, पशु तो जानवर तो भैंस है, गाय ने पशु क्यों नाड़ो, मैं तो कहूँ मारी नजर में मिन खुद पशु है, गाय माता है, जीरे घट में 33 करोड़ देवता बैठा, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि ये बात गूगल में तो कौन नहीं मोबाइल में कौन नहीं, ये बात शास्त्रीय बात है, ये बात ने तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखी, ये बात ने श्रीमद भागवत गीता में लिखी, ये बात ने वाल्मीकि जी रामायण में लिखी, ये बात संस्कार वाली बात है, भजन गाना थारकन तालियां बजानी मारो उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है आए है तो कुछ नई चीज छोड़ के जाए ताकि लोगों के दिमाग में लागे कि यार रातारी बात वाक्य में हकीकत हाची, झटकाड़ा तार नहीं ताड़ना, गौशाला में दान देनो, गायन बचानी, बहन बेटी में वो संस्कार पैदा करना जो 125 साल पहले अपना देश में चलता, क्योंकि यह देश की धरती ऋषि मुनियों की धरती है साहब, ये सूर्यों की धरती है, तेजाजी की धरती है, बाबूजी की धरती है, झुंझाजी की धरती है, आ बिगोजी की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है, ये मीरा कर्मा राणा फूला की धरती है, आटे लिखमा जीविया दरियाऊ जी आटे भजन कर
एडेरा महापुरुष नागौर की धरा में विया जटे भगवान चार भुजा नाथ लटका कर कर आया और यो बटगांव आपने देखियो ना वेला बटगांव खाकड़ की बटगांव जटे देंदा जी जड़ा संत विया खाती समाज में जटे चार भुजा नाथ ने आपरा बेटा ने जीव तो करने वाते लटका करन बटगांव में आनो पड़ियो। देनदास कहीं सुखबर सुता उड़ जाग मेरा भाई सासू जेर दियो टिकम ने लाश पड़ी करके माई जे आ रात बीत की सारी पचे देशी लाश ने जलाई और देनदास जी ने करे भगवान चार भुजा नाथ आया और तीन दिन बाद में बरी सबारे बीच में चोकरे बीचे गोपाल जी खातिरी पोड़ के मुंडा के दिन दहाड़े टीकू जी ने आपकी गोदी में लेर फाता जीवता कराया ये आपने नागौर मेड़ता का संता देनदास जी बना और यो कलरू गाँव देखियो ना वेला गाँव बारे निकलो जीमना हाथ में परसाराम जी महाराज भी खाती समाज रा संत हाँ अटो ज्यादा दूर को नहीं खेतो अटारान के 20 किलोमीटर ज्यादा है 25 वेला भगवान अटार गया। आज कलरू ने पूजा दियो परसाराम जी महाराज राजा रो पेड़ो फूट दियो चार बुजारो नाथ पेड़ा ने अदर कर दियो जमियो क्योंकि भगवान अपनी माटी में आया जन में चीज रो बखाण कर रहा और लंबा जाटान देखियो ना वेला लंबो जाटान सेवादास जी जड़ा संत विया पुष्कर जड़ी पावनी सेवा जड़ा संत गादी गिरधर दासरी तारिया जीवन अंत दिन दिन नाडी नीमली दिन दिन लंबा गांव सेवादास प्रगट विया जरा चार खूंट में अमर कर दियो पुष्कर जड़ी पावनी सेवा जड़ा संत अरे गादी गिरधर दासरी बे तारिया जीव अनंत जटे मने भी सौभाग्य मिलियो मारा परम पूजने गुरुदेव स्वर्गीय श्री उमाराम जी महाराज जरा मने उपदेश मिलिया और मैं बहुत बहुत धन्य हूँ कि मने उन पावनी दाडी रा उपदेश मिलिया आ भगवान की कृपा है। और टालनपुर गांव जटे सुख शरण जी महाराज जड़ा संत विया पूजा दियो नगरी ने और गोटण नगरी जी में रामदास जी श्यामदास जी जैसा संत विया आ रेण आज भी तड़ावर मैंने कहीं तिरे इंटर तिरे ना आप ठीक रहे कौन तिरे हाँ आ मारवाड़ की धरती है बे धना भगत जी महाराज टोंक जिलो निवई तहसील मांडल कस्बो धुआकलो गांव तेतरवाड़ जाति हर्षुक जी पिता रेवा भाई माता बीज संता ने दियो संता ना दियोड़ा तुम्बा खेत में भाया यार बात तुम्बा मु भगवान सवा सवा लाव करा मोती निभजाया निभजाया कि नहीं निभजाया तुम्बा भाया यार मोती होगा। आज गीता में गावे जिंदगी भर चांद सूरज रहे जीते दंजीरो इतिहास जीव तो रही कोई मेटनियों को नहीं। आज गीता में गाई जे धना भगतरी खेती खेत में तो भाया तुम्बा भगवान उगाया सवा सवा लाख रा मोती तुम्बा भाया मोती होगा एनापा करम फुटोड़ा मूंग बमार ऊंट कंटाड़ो हो गए है कूंचो खड़ो होगा कूंचो कूंचो कहीं डबे ना आपके दमाशो होगी उगड़ो ही है आगे रात बैठी लियोड़ खोपे 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 आवे 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 माँ भी दमा खावे तारी आगे रात थोड़ा गाया ला रहे क्यों थोड़ा एक जाए गौचर आपा दाबली अंगोर आपा दाबली पड़त आपा दाबली है गौशाला में आपा टकोई दानी बस गाया जा ही कटे गाया ना कहीं कॉलेज में गा लो। इसलिए सजनों थोड़ी सी दया करे घट में जब तक घट में दया है तब तक घट में सब कुछ है और जिन घट में गौ माता रे प्रति प्रेम है बारी औलाद हमेशा सक्सेस भी करे। बोलो श्री झुंझार जी महाराज की। हाँ हमारी बात आप तक पहुंची है कोशिश आई करूं कि दो चार बात आपने हृदय में रहे 24 घंटा तो मारो जोधपुर वाटे आनो सफल है क्योंकि मैं सजनों सिर्फ गांव गांव में जागरण देता हूँ ये गौ माता की और गांव गांव में जागरण देता हूँ मैं शहीदों की कि लोगों को लगना चाहिए कि गाय भी कोई चीज है लोगों ने लागे कि शहीद भी कोई चीज है मूर्ति लगाना हाथ में बंदूक दे रूबा करना सजनों मैं शहीद एक गाँव रहा नहीं एक पिता रहा नहीं पूरा देश का बेटा है शहीद